हाय मैम, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स, तो आज के क्लास से पहले हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीन और क्लास हो चुकी है फ्रेंड्स, जिसे आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस के आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जो कि हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यदि लाभ या हानि दिया हुआ हो तो वस्तु की संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए एक हम आपको लोगों के लिए एक बेसिक ट्रिक लाके आए हैं फ्रेंड्स। देखिए, यदि लाभ या हानि दिया हुआ हो तो वस्तु की संख्या बराबर हो जाएगा वस्तु की संख्या बराबर लाभ या हानि बटे में एक वस्तु पर लाभ या हानि। चलिए आगे इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इस ट्रिक को आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक विक्रेता 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर 2 रुपए में 5 की दर से बेच देता है तो उसे 18 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसने कितना नींबू खरीद कर बेचा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया फ्रेंड्स कि वस्तु की संख्या बराबर लाभ या हानि बटे में एक वस्तु पर लाभ या हानि। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वस्तु की संख्या बराबर लाभ या हानि कितना दे दिया है, 18 रुपया का लाभ हो रहा है। एक वस्तु पर हमें निकालना है। तो देखिए, 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर, तो सीपी हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 3/8। रुपया ऊपर लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में और वस्तु नीचे लिखते हैं फ्रेंड्स, ये हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। तो देखिए, और एसपी बराबर क्या होता है, 2 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एसपी बराबर हो जाएगा 2/5। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे। तो 18/ ये क्या हो जाएगा, एक वस्तु पर लाभ निकालना है, 2/5 - 3/8। सिंपली कर देंगे फ्रेंड्स हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 40 = 16 - 5 = 15। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, 18 × 40। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 18 × 4 = 72 होता है फ्रेंड। तो ये 720 नींबू, मतलब उस व्यक्ति ने टोटल 720 नींबू खरीद कर बेचे हैं। 720 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट टाइप में हमारा, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में कमी या वृद्धि हो। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक है कि प्रतिशत के रूप में वस्तु के क्रय मूल्य में जो कमी या वृद्धि हो रही है वो प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीदा होता और 5 रुपए कम में बेचता फिर भी उसे 20% का लाभ होता, तो बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण होती है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है हमारा 100 रुपया है, सीपी मान लीजिए कि 100 रुपया है। अब ये बोल क्या रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट एसपी हमारा फ्रेंड्स, एसपी हमारा हो जाएगा 110 हो जाएगा 10% लाभ पर बेचेगा तो। अब आगे क्या बोल रहा है,
कि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीदा होता और 5 रुपए कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ हो जाता पेन। तो सेकेंड एसपी हमारा क्या हो जाएगा पेन, 10% कम दाम में खरीदता तो ये हो जाएगा 90 × SP = CP × 100 + 20% का लाभ हो रहा है, तो 120/100 यही तो होगा फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एसपी। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 12 × 108। अब देखिए कितना का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस कितना का है फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस है 2 रुपए का। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों में देखिए 110 रुपए है, अब हमारा एसपी कितना है 108 रुपए है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 रुपए का डिफरेंस है फ्रेंड्स, 110 - 108 2 रुपए का डिफरेंस है। तो देखिए अब ये 2 रुपए कम में कब बेचता है, कम में बेचता है क्योंकि 2 रुपए कम में बेचता है तो 2 रुपए में कम में बेचता है तो सीपी हमारा कितना है, सीपी बराबर 100 रुपया है। तो अब इसलिए जब 5 रुपए कम में, क्योंकि 5 रुपए में कम में बेचता तभी उसे 20% का लाभ होता है, इसलिए 5 रुपए पर निकालेंगे फ्रेंड्स हम लोग, 5 रुपए कम में, इसलिए 5 रुपए कम में बेचने पर सीपी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 100 × 2 और डिवाइडेड बाई 5, सॉरी फ्रेंड्स तो हमको निकालना क्या है, 5 रुपए पर निकालना है, 5 रुपए कम में बेचने पर, तो 100 × 5 / 2 हो जाएगा फ्रेंड, तो यह आ जाएगा हमारा 250 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है फ्रेंड्स वो है 250 रुपए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसी टॉपिक पर एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक विक्रेता किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वस्तु को 5% कम दाम में खरीदा होता और 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो इसको हम लोग सिंपल साफ करेंगे फ्रेंड, देखिए कैसे, कोई भी वस्तु दिया हुआ हो जो अज्ञात हो, उसके बारे में पता नहीं हो, तो वो वस्तु अपने आप में पूर्ण होती है फ्रेंड, उसे हम लोग 100% मानते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि वस्तु का सीपी कितना है, वस्तु का सीपी मान लीजिए कि 100 रुपया है, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए एक विक्रेता किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है, 8% लाभ पर बेचता है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 108 रुपए हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि यदि उसने 5% कम दाम में खरीदा होता और 18 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो देखिए 20% का लाभ होता उसे कब होता, जब वह 5% कम दाम में खरीदता, 95 × 120 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और ये कर जाएगा 19 × 12 = 19, 5 × 5 = 95। अब ये देखिए, अब ये 6 × 9 = 4, 5 × 5 = 6, 5 × 6 = 5 = 11, 114 रुपये आ गया। अब दोनों में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हमारा एसपी 108 था, अब हो गया 114, दोनों में डिफरेंस कितना है 8 × 14, मतलब कि 6 रुपए अधिक पर वो बेच रहा है, कब बेच रहा है, जब उसका CP = 100 है। तो जब उसे क्या करना है कि 18 रुपए अधिक में बेचना है, जब उसे 18 रुपए अधिक में बेचना है तब कितना सीपी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 18 पर निकल जाएगा हमारा 100 × 18 / 6, 6 × 18 यह हमारा 300 रुपए सीपी निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आइए देखते हैं फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखिए नेक्स्ट टाइप में हमारा फ्रेंड्स, यदि क्रय मूल्य में वृद्धि या कमी राशि के रूप में दिया हुआ हो, तो क्वेश्चन है हमारा देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वस्तु को 40 रुपया कम दाम में खरीदा होता और प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए फ्रेंड, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए ट्रिक क्या है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, कि यदि क्रय मूल्य में वृद्धि या कमी जो है वो राशि के रूप में दिया हुआ, तो उसके लिए ट्रिक है कि सीपी निकालना है। सीपी बराबर हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस R2 डिवाइडेड बाय प्रतिशत लाभ या हानि का अंतर। ये हमारा ट्रिक है फ्रेंड्स, जहां एक्स है हमारा फ्रेंड्स क्रय मूल्य में वृद्धि या कमी, और जो ये हमारा R2 है ये दूसरी बार लाभ या हानि प्रतिशत है। तो सिंपल इसमें हम लोग पुट कर देंगे फ्रेंड। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स क्या है हमारा, क्रय मूल्य में वृद्धि या कमी। तो 40 रुपए कम दाम पे खरीदा होता तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 40। देखिए अब R2 क्या है, 10% का पहले लाभ हो रहा है, बाद में 15% का लाभ हो रहा है। तो R2 हमारा हो जाएगा फ्रेंड 100 प्लस माइनस R2, तो लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय प्रतिशत लाभ या हानि का अंतर। पहले 10 था फिर 15 हुआ, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड, 5 × 8 = 40, इसको 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40 को 0, 5 × 4 = 8, 8 × 1 = 12 को 2, 5 × 1 = 1, 8 × 8 = 10, 1020 रुपया हमारा इसका सीपी हो जाएगा फ्रेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 1920 होगा। देखिए 8 × 5 = 0, 8 × 4 = 8, 8 × 8 = 12 को 2 × 1 = 1, और 8 × 8 = 9, 920 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।